सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बहुत सारी मछली पकड़ी थी और भाई उन जितनी भी फिश थी उन सबको बेच के हमने काफ़ी सारा पैसा कमाया था, अराउंड भाई $7 मिलियन हमने कमाए थे उन मछलियों से। सो गाइस, हम सोच रहे हैं कि फिर से भाई क्यों ना यही धंधा शुरू करें भाई। सो फिर से गाइस, हम जा रहे हैं फिर से मछली पकड़ने के लिए और गाइस फिर से भाई अराउंड 10 मिलियन इस बार तो भाई दबा के हम मछली पकड़ने वाले हैं। अराउंड भाई 10 मिलियन हम लोग आज कमाने वाले हैं। सो गाइस, ऐसा करते हैं ना, जल्दी से निकलते हैं, एक नई जगह मेरे को पता है, सो गाइस उधर चलते हैं और गाइस वहां पर भाई हम लोग काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। सो फिलहाल गाइस, ऐसा करते हैं जल्दी से निकलते हैं और बाहर अपनी एक नई गाड़ी खड़ी हुई है जो कि हमने उन पैसों से ली थी। सो गाइस, ये रही अपनी ये ऑफ रोड कार है और मतलब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी कार है गाइज ये। और फिलहाल गाइज निकलते हैं हम, और वो वाली जो पुराने वाली थी हमने गाइज उसे बेच दी है और फिलहाल तो यही है हमारे पास न्यू ब्लैक कलर की। बाकी गाइज इस कार की ना मेरे को फिनिशिंग काफ़ी बेस्ट लगी। सो फिलहाल गाइज हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हमें मछलियाँ पकड़नी है और गाइज यहाँ पर हम मछली पकड़ेंगे। और गाइज यहाँ पर सुना है काफ़ी सारी मछलियाँ मिलती हैं यहाँ पर। और फिलहाल गाइज यहाँ से हम चलते हैं। सिंचन कहाँ रह गया यार? अरे ये रहा यार। सो फिलहाल गाइज सिंचन भी अपने साथ है और गाइज यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। कोई नहीं गाइज, इन्हें पकड़ने देते हैं। बाकी गाइज ऐसे एक मिनट, ये सिंचन साला वहाँ पर क्या कर रहा है? ओह शिट गाइज, ये भाई जो बंदा खड़ा हुआ है सामने, ये सिंचन को बोल रहा है तुम यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते हो। और भाई ये इनका इलाका है और गाइज इनके इलाके में हम मछली नहीं पकड़ सकते हैं। तो गाइज ये लोग ना हम लोगों को भगा रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, ऐसा करते हैं हम किसी और जगह पे चलते हैं क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि हम किसी से लड़ाई करें, क्योंकि भाई अब हम धंधे वाले हो चुके हैं और भाई काफ़ी अच्छा खासा हम बिजनेस से हम पैसा कमाने लगे हैं। सो गाइस, ऐसा करते हैं हम यहाँ से निकलते हैं गाइस। आज अब ब्रो सिंचन। और बाकी गाइस ये बंदा भाई कैसा घूर रहा है, मेरे को इसकी शक्ल भाई कितनी ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है। तो फिलहाल गाइस ऐसा करते हैं हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी यार सिंचन बीरो। और बाकी गाइस यहाँ पे जो बाइक खड़ी है वो तो काफ़ी अच्छी है। और ये क्या गाइस, सिंचन तो यहाँ पर बाइक को देखने लगा है और भाई इसको ये बाइक बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आई है और देख रहे हो ना गाइस कैसे छू के देख रहा है ये। फिलहाल गाइस ये बोल रहा है कि एक बार ट्राई करके देखें। गाइस उन लोगों की ये बाइक्स हैं सो वो मना भी कर सकते हैं हम लोगों को। सो कोई नहीं सिंचन, इसको मत छू और चलते हैं सिंचन यहाँ से जल्दी से। और भाई और ये क्या भाई, ये बंदा भाई गुस्सा हो गया यार उससे। ओ भाई भाई सिंचन को लात मारी। गाइज मैं यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहता हूँ वरना मैं इसको पेल सकता था, अभी गन निकाल के इसको मैं जान से मार सकता हूँ, लेकिन गाइज कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आज सिंचन रहने दे यार, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। और ये क्या गाइज फिर से एक और लात मारी सिंचन को। बाकी गाइज मेरे को बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा, ओ भाई 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 मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइज। इसने भाई मतलब सिर्फ एक बाइक के ऊपर भाई सिंचन को भाई इसने मारा है। तो कोई नहीं गाइज, हम ऐसा करते हैं ना जल्दी से एक नई बाइक लेकर आते हैं क्योंकि भाई बहुत हो गई बेइज्जती, इतनी गंदी बेइज्जती तो भाई किसी ने नहीं की है। फिलहाल गाइज ऐसा करते हैं जल्दी से लेस्टर को फ़ोन लगाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसा इतना सारा नहीं है। सो हम लेस्टर को फ़ोन लगाते हैं और भाई उससे पूछते हैं भाई कि ये कहाँ पर मिलेगी हमको बाइक, हमको चोरी ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है गाइज हमारे पास। सो फिलहाल गाइज लेस्टर को फ़ोन लगाया, उसने बोला भाई यहीं मिलेगा वो। सो गाइज फाइनली गाइज यहीं कहीं होना चाहिए लेस्टर। हाँ ये रहा गाइज लेस्टर। सो गाइज लेस्टर मिल चुका है और भाई इसको पता होगा कि भाई किसके पास न्यू बाइक हो महंगी वाली, सो गाइज वो हम चोरी कर सकते हैं। फिलहाल गाइज सिंचन को भी बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। सो कोई नहीं गाइज, लेस्टर ने बताया कि भाई इधर आसपास एक मतलब MLA का भाई रहता है और उसके लड़के के पास काफ़ी सारी बाइक्स के कलेक्शन हैं। सो गाइज कोई नहीं, उसी के पास चलते हैं और भाई लेस्टर को भी लेके चलते हैं। सो चलो गाइज चलते हैं जल्दी से और वो बाइक चोरी कर लेते हैं और उन सालों को फिर चमकाते हैं। ये क्या लेस्टर तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही बूढ़ा हो चुका है। और हाँ गाइज लेस्टर बोल रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी हो सकती है। और बाकी गाइज वो MLA का भाई है, सो गाइज मे भी इतनी ज़्यादा ना हो। और फिलहाल कोई नहीं गाइज देख लेंगे। बाकी गाइज हमें बाइक तो चाहिए ही चाहिए भले ही भाई हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई है। और फिलहाल गाइज यहीं आसपास ही लेस्टर बता रहा था कि भाई यहीं कहीं होना चाहिए। और फिलहाल गाइज लेस्टर बोल रहा है कि भाई क्या चिंदी चोरी के लिए तुम मेरे को बुला रहे हो, लेकिन कोई नहीं गाइज हमको तो बाइक चोरी करनी ही पड़ेगी। और ये रहे गाइज यहाँ पर गार्ड्स। ओ शिट शिट वह यार गाड़ी में भी ठुकनी थी यार। तो कोई नहीं गाइज यहाँ पर भाई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, बट गाइज सिक्योरिटी है। कोई नहीं गाइज एक बार पीछे के रास्ते एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है।
बाकी देखेंगे गाइस जहाँ पर कम सिक्योरिटी होगी वहाँ से हम एंटर करने वाले हैं, और एक बार हम बाइक की लोकेशन भी देख लेते हैं। सो फिलहाल गाइस यहीं कहीं उसका घर होना चाहिए, और गाइस इस पेड़ के आसपास ही, हाँ ये रहा गाइस। और बाकी गाइस छत पे भी बंदे हैं, और भाई बाइक मेरे को दिख चुकी है गाइस, वो देख रहे हो ना भाई, 5-6 बाइक्स हैं, और भाई काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा ही महंगी वाली बाइक्स हैं इसके पास। और फिलहाल गाइस यहाँ पर छत के ऊपर भी काफ़ी सारे बंदे दिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गाइस, हम भाई थोड़ा अंधेरे होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम ये बाइक चोरी करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे दिन में तो हम चोरी नहीं कर सकते हैं। तो कोई नहीं गाइस, इधर ही हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इधर ही हम अपनी जो कार है उसको पार्क कर देते हैं। ये लो गाइस हमने पार्क कर दिया, और थोड़ा सा हम वेट करते हैं अंधेरे होने का। फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर भाई रात के 8 बज चुके हैं गाइस, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा उजाला दिख रहा है। बट गाइस कोई नहीं, हम यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। सो गाइस यहाँ पर अभी भी बंदे खड़े हुए हैं भाई, एक गार्ड और एक्स्ट्रा आ गया गाइस अब तो, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं इस गैरेज में। यहाँ पर गाइस हमने अपनी अपनी जो कार है उसको हमने पार्क कर दिया है, और गाइस यहाँ पर लेस्टर भी आ चुका है, और लेस्टर ने बोला, लेस्टर ने मेरे को गाइस चाबी दी है कि भाई कैसे स्टार्ट करना है उन गाड़ी को, उसने बता दिया है मेरे को, और एक की भी दी है उसको लगा के, और दो तार भी जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं गाइस हम कर देंगे। और फिलहाल गाइस सिंचन भी अपने साथ चलने वाला है, क्योंकि भाई सिंचन भी जिद कर रहा है, बोल रहा है भाई मुझे भी एक बाइक चाहिए। और भाई यहाँ पर गाइस अब लगता है हमको दो बाइक चोरी करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई नहीं गाइस, जो भी हमको अच्छी दिखेगी हम वो चोरी कर लेंगे। और फिलहाल गाइस यहाँ पर देखते हैं भाई, हमको बड़े ही धीमे धीमे जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पर भाई बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे भी दिख रहे हैं गाइस मेरे को ऊपर, और भाई इनके पास मे भी गन हो सकती है गाइस। यहाँ से मेरे को धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और भाई आराम से इसको मैं टपका दूंगा गाइस। फिलहाल गाइस मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको चाकू से मार देता हूँ, और ये सो गाइस ये बंदा तो गया। इसको ऐसा करते हैं ना, उठा के इधर रख देते हैं, अगर भाई बंदे ने देख लिया, क्योंकि गाइस वो बंदा दिख रहा है मेरे को, आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली गाइस मैंने उस बंदे को इधर रख दिया साइड में, और भाई यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स दिख रही हैं, और बहुत सारी लग्जरी बाइक्स हैं, मतलब भाई क्या ही महंगी वाली बाइक्स हैं। और फिलहाल गाइस यहाँ पर तो गाइस काफ़ी ख़तरनाक बाइक्स दिख रही हैं, और भाई ये वाली भी मस्त है, और येल्लो वाली भी तो और ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है, और बाकी गाइस ग्रीन वाली तो भाई मेरे को पसंद आ गई। सो गाइस मैं तो भाई ग्रीन वाली चोरी करने वाला हूँ, और भाई ये क्या सिंचन बोल रहा है कि भाई मेरे को येलो वाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। सो कोई नहीं गाइस, सिंचन येलो वाली और भाई मैं ग्रीन वाली, जल्दी से बैठ के जल्दी से निकलते हैं, और भाई यहाँ से भाई जल्दी से रफू चक्कर हो जाते हैं। और गाइस यहाँ से हम जैसे बाहर निकलेंगे हमको अचानक से बाइक भगा के निकालनी पड़ेगी, वरना गाइस ये लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। तो सिंचन तू क्या कर रहा है, बैठ ना जल्दी, हाँ जल्दी बैठ। सो गाइस फाइनली गाइस सिंचन भी बैठ चुका है, और मैं भी, और भाई यहाँ पर भाई बंदे, और भाई 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 दिख लो भाई जल्दी, ओ भाई शिट 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 शिट, और गाइस यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी है, और भाई सिंचन तो उतर के मार रहा है गाइस इन लोगों को। ओ भाई 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 ये क्या है भाई, भाई बैठ जल्दी सिंचन, हमको लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ से जल्दी से निकलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल गाइस हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, बट गाइस सिंचन नहीं दिख रहा है मेरे को, भाई कहाँ रह गया यार सिंचन, वह कहाँ रह गया, जल्दी आना बीड़ू आ जा यार। हाँ सो फाइनली गाइस सिंचन भी आ चुका है, और गाइस जल्दी से, ओ भाई भाई खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया गाइस मेरा, और भाई बाइक को सुकरमा ने कुछ हुआ नहीं। सो गाइस हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, और भाई सिंचन, हाँ सिंचन पीछे ही है भाई, भगाओ बस जल्दी से बाइक। और फाइनली गाइस भाई इसकी जो ये हमारे पास बाइक है गाइस, इसकी भाई लाइट बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है, देख रहे हो ना भाई कैसे ग्रीन कलर की चमक रही है। लेकिन कोई नहीं गाइस, एक बार देख लेते हैं सिंचन पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ कहीं छूट ना जाए वो, हाँ वो रहा गाइस, आ रहा है सिंचन पीछे पीछे। और फिलहाल गाइस ऐसा करेंगे ना, जितनी भी दो बाइक से हमने चोरी करी है दोनों को भाई मॉडिफाई करने वाले हैं हम, और भाई इनका कलर वलर हम चेंज कर देंगे, और भाई उसका भी कलर चेंज कर देंगे, और नंबर प्लेट भी, और सिंचन की जो बाइक है उसका भी नंबर प्लेट चेंज करेंगे। तो फिलहाल गाइस ऐसा करते हैं निकलते हैं जल्दी से भाई गैरेज की साइड, क्योंकि भाई मैंने गैरेज फ़ोन लगा के कह दिया था कि भाई थोड़ा सा लेट ओपन करके रखना। और फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं भाई गैरेज के पास, और मतलब आए नहीं है बस पहुंचने वाले हैं गाइस हम गैरेज के पास, यहीं आसपास गैरेज होना चाहिए। सो फाइनली गाइस हम गैरेज में आ चुके हैं, और भाई यहां पर पहले ये वाली बाइक मैं मॉडिफाई करवा लूँ, फिर सिंचन की करवाऊँगा। सो अंदर चलते हैं गाइस,
ओके और गाइस यहाँ पर मेरे को ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आया है, और भाई ऊपर का मैंने बम्पर भी हटा दिया है, और आप गाइस देखो कितनी ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है ये बाइक। मतलब देख रहे हो ना कैसे चमक रही है, इसका वाइट और भाई जो ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। सो कोई नहीं गाइस, हम ऐसा करते हैं ना येल्लो बाइक को भी हम एक बार मॉडिफाई करा लेते हैं, और भाई फिर चलते हैं हम जल्दी से घर पर और बाइक को हम छुपा देंगे। तो चलो गाइस चलते हैं, इसको भी मॉडिफाई। ये क्या आ रहा है भाई, लॉस सैंटोस कस्टम इज क्लो। ओ भाई शेट शेट गाइज, यहाँ पर ये जो गैरेज था वो बंद हो चुका है गाइज। कोई नहीं गाइज, ऐसा करेंगे ना इसको सुबह मॉडिफाई करवा लेंगे हम। तो फिलहाल गाइज ऐसा करते हैं ना, जल्दी से हम निकलते हैं घर की साइड, और भाई काफ़ी ज़्यादा ही रात हो रही है, और भाई वो लोग हमको ढूंढ भी रहे होंगे कि कहाँ गए, मतलब वो बाइक चोर। और गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस है, वो भी हमारे पीछे पड़ सकती है। सो फिलहाल गाइज ऐसा करते हैं ना, जल्दी से अपनी अपनी बाइक पकड़ते हैं और गाइज निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। और फिलहाल गाइज सिंचन बोल रहा है क्यों नहीं हुआ, बट मैंने बोल दिया गाइज सुबह करा लेंगे हम, और सुबह मॉडिफाई पक्का कराएंगे। और फिलहाल गाइज यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं अपने घर की साइड, क्योंकि हम भाई काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं। और भाई सिंचन पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है पीछे। और फिलहाल गाइस इसकी स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही भाई एपिक है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ओ भाई आराम से भाई। सो फाइनली गाइस हम अपने घर पे आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। और भाई सिंचन नहीं दिख रहा है, सिंचन काफ़ी ज़्यादा ही पीछे रह गया, लेकिन आ गया है गाइस सिंचन भी। फिलहाल ऐसा करते हैं गाइस जल्दी से अंदर पार्क कर देते हैं भाई इन दोनों की, दोनों जो अपनी बाइक्स हैं उसको, क्योंकि बाहर रखना खतरे से खाली नहीं, और गैरेज की चाबी भाई खो गई है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं ना, अंदर ही रख देते हैं बालकनी में, और वहाँ ज़्यादा सेफ रहेगी हमारी जो बाइक्स है वो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये चोरी की बाइक है। तो फिलहाल गाइस ऐसा करते हैं ना, यहाँ कहीं हम इसको पार्क कर देते हैं, हाँ यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिलहाल गाइज मैंने पार्क कर दिया, और भाई ये सिंचन नहीं दिख रहा है कहाँ गया यार, लगता है उसको लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ है बाइक वाइक चलाने में। सो कोई नहीं गाइज, हम उसको लेकर आते हैं और उसको बताते हैं भाई यहाँ से आना पड़ेगा तेरे को, और ये यहीं पर ही खड़ा हुआ है, देख रहे हो ना क्या हरकतें कर रहा है इधर ये, अबे पागल कहीं के घुमा क्यों रहा है बाइक को, इधर आ इधर, हाँ अबे आ जा मेरे पीछे पीछे सिंचन ब्रो। सो फिलहाल गाइस सिंचन को हम पीछे पीछे लेकर आते हैं, और भाई उसको रास्ता तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जगह भी काफ़ी कम है, और भाई सिंचन नौ सीखिया है भी, उसको इतनी ज़्यादा बाइक आती नहीं है। सो फाइनली गाइस ठोकते ठाकते ही अंदर लेके ही आ गया, और भाई ऐसा करते हैं ना इसको पार्क कर देते हैं जल्दी से। अरे यार शीशा वीशा मत तोड़ दियो बस सिंचन तू मेरा। सो फिलहाल गाइस यहाँ पर गाइस सिंचन लेके आ गया है, और ऐसा करता हूँ ना मैं पार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई उसके बस की तो है नहीं इधर लगाना ये बाइक। सो मैं बैठ के इधर पार्क कर देता हूँ अच्छे से। फिलहाल गाइज हमने दोनों की दोनों अपनी बाइक से उसको पार्क कर दिया है, और भाई अब काफ़ी ज़्यादा ही रात हो चुकी है, ऐसा करते हैं ना ये थोड़ा आराम कर लेते हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं हम। और सिंचन कह रहा है कि भाई मैं तो बाहर ही सोने वाला हूँ आज, बाइक को देखेगा वो, देखो हाथ में भी उसने गन ले रखी है, ताकि भाई कोई भी चोर आता है तो उसको ये उड़ा डाले। कोई नहीं, इसको इधर ही सोने देते हैं, हम चलते हैं नीचे और हम भी थोड़ा सो लेते हैं। और फिलहाल गाइस अभी सुबह हो चुकी है, और काफ़ी अच्छा खासा मौसम है, और भाई हाँ गाइस आप लोगों को तो याद ही होगा कि भाई हमें सुबह सुबह भाई अपनी जो बाइक है उसको मॉडिफाई कराने जाना था, उसका कलर भी चेंज कराना था, और उसका मतलब काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करना है अपने बाइक में। सो ऐसा करते हैं गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं, और गाइस अभी भी सिंचन सो रहा है, कितना ज़्यादा ही आलसी इंसान है यार ये, बहुत ही ज़्यादा। सो ऐसा करते हैं ना सिंचन को जल्दी से जगाते हैं, और भाई दोनों बाइक को लेकर निकलते हैं, और भाई उधर जो जहाँ पर कल हमारी बेइज्जती करी गई थी, वो फिशिंग जो मैन थे और जो फिशिंग कर रहे थे वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे, सो उन लोगों को चमकाना भी है गाइस अभी। और भाई सिंचन को तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, सो भाई ऐसा करते हैं जल्दी से निकलते हैं यहाँ से।
और गाइस सिंचन तो भाई बिल्कुल ही रेडी हो चुका है और भाई वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड है भाई उन बंदों के सामने दिखाने के लिए अपनी बाइक को। और गाइस उन बंदों को थोड़ी ना पता है कि भाई हमारी बाइक चोरी की है और हमारे उनको तो ये लगेगा भाई हम तो खरीद के लाए हैं, लेकिन उनको क्या पता कि भाई हम चोरी के लाए हैं बाइक। तो फिलहाल गाइस अभी हम निकल चुके हैं और भाई ऐसा करते हैं जल्दी से गैरेज चलते हैं और भाई ये बाइक जो हमने जो येलो कलर की बाइक है उसको कोई बंदा देख ना ले क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं हम। और फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं भाई यहाँ पर गैरेज पे और ये ओपन भी हो चुका है, सो काफ़ी अच्छी बात है गाइस ये। तो जल्दी से मॉडिफिकेशन करा लेते हैं हम अपनी जो बाइक है उसमें और भाई फिर चलते हैं जो फिशिंग कर रहे थे वहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग उनके पास चलते हैं। और सिंचन कहाँ गया यार, वो तो दिखी। अब यार सिंचन तो अंदर ही था, मैं बाहर कहाँ ढूंढ रहा हूँ उसे। सो फिलहाल गाइस सिंचन का सर दिखता ही नहीं है जब वो बाइक चलाता है। तो फिलहाल गाइस हमने अपनी जो बाइक है उसमें मॉडिफिकेशन करा लिया है। वो भाई जो पुरानी वाली बाइक है, जो दूसरी वाली बाइक है गाइस जो ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड वाइट, इसको भी हमने ब्लैक करा लिया है और काफ़ी ज़्यादा ही भाई कूल लग रही है बाइक। सो ऐसा करते हैं गाइस जल्दी से निकलते हैं उन बंदों के पास और भाई उनको चमकाते हैं अपनी दोनों बाइक्स। और भाई इसके टायर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही भाई मस्त लग रहे हैं गाइस मेरी वाली बाइक के, और बाकी सिंचन वाली बाइक में तो बूस्टर लगा पड़ा है। फिलहाल गाइस हम पहुंच गए हैं भाई यहाँ पर जहाँ पर भाई कल हमारी बेइज्जती करी गई थी और ये वही लोग हैं गाइस जिन लोगों ने भाई लात मारी थी हमारे सिंचन को। और भाई ये लोग अब कैसे आ रहे हैं भाई, कैसे देख रहे हैं ये लोग हम लोगों को भाई, हम दोनों की बाइक्स को। और वही बंदा है गाइस ये देख रहे हो ना जो नीचे मेरे बाइक के टायर को देख रहा है, भाई इसी बंदे ने भाई सिंचन को लात मारी थी भाई कल, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करी थी और आज गाइस ये माफ़ी मांग रहा है हम दोनों से। सो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस। फिलहाल गाइस ये सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई जो हमारी बाइक है वो। बाकी गाइस आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी हमारी बाइक्स और हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी गाइस ये बंदा तो भाई क्या ही लेक्चर दे रहा है, बोल रहा है भाई इस वाली बाइक्स में ये खासियत है भाई और ये काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और भाई उस बंदे को तो भाई जो सिंचन की बाइक थी भाई वो पसंद आई। सो खैर छोड़ो गाइस ये सब बातें, और तो ऐसा करते हैं गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।